दोस्तों, ये जो आपको पानी दिख रहा है बरसात का पानी है, और ये हरा इसलिए है क्योंकि ये पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और इसलिए पानी में काई और जलकुंभी पैदा हो गई है। और ये दृश्य है दोस्तों गोरखपुर के वार्ड नंबर 6 का। जी हाँ, वही गोरखपुर जिसे CM सिटी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है आसपास के क्षेत्र में, पर मुझे नहीं पता कि प्रशासन की नज़र यहाँ पे क्यों नहीं पड़ रही है। यहाँ पे ना कभी नाली बनी और ना ही कभी रोड बना, और यही कारण है कि हल्की सी बरसात का पानी जो आपको दिख रहा है, इसे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और ये 3 से 4 महीने तक ऐसे ही बना रहेगा। आप कल्पना करके देखिए कि अगर किसी को इस दरमियान मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए तो कमर तक पानी में वो कैसे निकलेगा, कैसे डॉक्टर के पास पहुँचेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा बस यही मकसद है कि किसी भी तरह से मेरी बात, इस क्षेत्रवासियों की बात प्रशासन तक पहुँचे, और यहाँ पे जो बेसिक सुविधा होती है जैसे खड़ंजा, सड़क, नाली, इसकी सुविधा तो कम से कम दे दे। ये देखिए घर के पीछे का हिस्सा है, जलकुंभी जो आपको दिख रही है कोई तालाब नहीं है, बल्कि बरसात का पानी इतने लंबे समय तक यहाँ रुका रह गया, यहाँ जलकुंभी पैदा हो गई। देखिए ये पूरी कॉलोनी वार्ड नंबर 6 करीम नगर हमीदपुर मिलेनियम सिटी, नाम कितना अट्रैक्टिव है मिलेनियम सिटी, लेकिन हालात यही है, ना नाली है ना सड़क है। देखिए दूर दूर तक सिर्फ पानी ही आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे हमारी बात प्रशासन तक पहुंच सके। हम सभी आपके बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा